अब बात करेंगे, दिवाली करीब है, इस त्यौहार के लिए अब बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। दिवाली के मौके पर लोग तरह तरह की मिठाइयाँ खरीदते हैं। मिठाइयों की दुकान आपको सड़कों पर खूब लगी दिखाई देती हैं, लेकिन दिवाली का फायदा उठाकर बहुत से लोग मिठाइयों में मिलावट भी कर देते हैं। मिलावटी मिठाई खाने से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है और सेहत से जुड़ी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। इसीलिए दिवाली पर मिठाई खरीदते समय काफ़ी समय सावधानी बरतनी चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप खुद ही पता कर सकते हैं कि कौन सी मिठाई असली है और कौन सी मिठाई फेक है। तो जब आप दिवाली पर मिठाई खरीदने जाएं तो आप इस बात को पता कर लें कि आप मिठाई जो खरीद रहे हैं वो असली है या नकली। कुछ तरीके हैं जो आप मिठाई खरीदने से पहले कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं जो मिठाई आप खरीद रहे हैं वो मिलावटी तो नहीं है। दिवाली पर ऐसे करें मिठाई में मिलावट की जांच। मिठाई ज़्यादा कलरफुल है तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा मसल कर देखें। अगर रंग आपके हाथ में लग जा रहा है तो समझिए मिठाई में मिलावट है। मिठाई का एक छोटा सा टुकड़ा लें, पानी में डाल दें। अगर रंग पानी में घुल जाता है तो समझे कि उसमें सिंथेटिक रंग मिलाया गया है। मिठाई चख भी सकते हैं, अगर वो आपको ज़्यादा मीठी लगती है या फिर कड़वाहट है तो समझिए कि उसमें मिलावट है। मिठाई का टुकड़ा लेकर उंगलियों पर मसल कर देखिए, अगर स्मेल आ रही है तो समझ लीजिए उसमें सिंथेटिक दूध मिलाया गया है। मावे से बनी मिठाई को भी मसल कर देख सकते हैं, अगर वो आपको टाइट या फिर रबर जैसा महसूस होता है तो उसमें भी मिलावट की गई है। तो मिठाई जब आप लेने जाएंगे तो आप ध्यान रखिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है।